अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे जी। गर्ल्स एंड बॉयज, आज 16 जनवरी और दिन है हफ्ता। आप लोगों का मजमून उर्दू और लहजे नंबर आप लोगों का आज है 7। हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेसन नंबर 6, उसका हमने एक हिस्सा किया था। आज बकिया हिस्सा हम लोग करेंगे जिसका अनुमान है पंचायत, और इसके मुसनिफ का तारुफ भी हम लोगों ने पढ़ा था। उनके इसके मुसनिफ का नेम है मुंशी प्रेम चंद, ठीक है, जिनका असल नाम क्या था? मुंशी प्रेम चंद, जिनका असल नाम था धनपत राय। मुंशी प्रेम चंद का असल नाम क्या था? धनपत राय। थोड़ा सा हम फिर से रिपीट कर लेंगे। और उनकी तारीख पैदाइश थी 1880 और तारीख वफात थी 1936, ठीक है। सब पंचायत की सिंफ आप लोगों को बताई थी, सब पंचायत की सिंफ आप लोगों को बताई थी। इसकी सिंफ क्या थी? अफसाना के मुतालिक भी आप लोगों को बताया था। आप लोगों की बुक में ही अफसाना की डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 44 पे, के पंचायत प्रेमचंद का अफसाना है। अफसाना ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी के किसी एक वाक्य पहलू या किरदार को पेश किया जाता है। इसलिए इख्तसार यानी इसका मुख्तसर होना वाहदीते तासुर और एक ही तासुर इसका और जामियत इसकी बुनियादी खसूसियत है। यानी अफसाना एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जो है एक जामे कहानी होती है, मुख्तसर कहानी होती है, जिसको आप 15 से 20 मिनट जो है वो रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके मुकाबले में नावल जो है वो एक लंबी कहानी है। अच्छा, हमने ये कहानी पढ़ी थी पंचायत, जिसमें दो किरदारों के बारे में पढ़ा हमने, जो दो लोग थे जुम्मन और अलगू, जो बहुत गहरे दोस्त थे आपस में। और जुम्मन की एक खाला थी जिसकी कुछ मलकियत थी, और उसने क्या किया था, वो मलकियत अपने भांजे के नाम कर दी थी। और भांजे ने खाला से क्या वादा किया था कि वो उसको सारी उम्र जो है वो उसको रोटी कपड़ा देगा और रिहाइश देगा उस मलकियत के इवज। लेकिन क्या हुआ कि जब खाला ने वो जो थी मलकियत उसके नाम कर दी, उसे क्या अतिया कर दिया, तो क्या हुआ कि उसने जो है उसका सलूक, उसका और उसकी बीवी यानी जुम्मन का और उसकी बीवी का जो सलूक था खाला से बहुत बुरा हो गया था, ठीक है। ये हमने यहाँ तक रीड किया था सफा नंबर 37 तक। और फिर खाला ने क्या किया कि इसका इस बात का फैसला करवाने के लिए कि या तो उसे खाना पीना यानी सही दिया जाए, या फिर उसको क्या किया जाए कि उसे उसका माहवार खर्चा बांध दिया जाए, इसके लिए खाला ने एक पंचायत बुलाई, ठीक है। यहाँ तक सफा नंबर 37 तक हम लोगों ने किया था कि शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, टाट बिछा हुआ था, हुक्का पानी का भी इंतजाम था। ये सब शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी थी। वो खुद अलगू चौधरी के साथ दूर बैठे हुक्का पी रहे थे। अब अलगू चौधरी कौन है? शेख जुम्मन का बहुत गहरा दोस्त, जिन्होंने क्या था, शेख जुमेराती जो कि शेख जुम्मन के वालिद थे, उनसे तालीम हासिल की थी, उनकी शागिर्दी इख्तियार की थी। जब पंचायत पूरी बैठ गई तो बूढ़ी बी ने हाजरीन को मुखातिब करके कहा, हाजरीन वो लोग जो वहां पे मौजूद थे, ठीक है। जब सारे लोग जो थे वो आ गए पंचायत के लिए, तो क्या हुआ कि बूढ़ी बी ने वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे उनको मुखातिब करके कहा, पंचो, पंच कहते हैं मुंसिफ को यानी जज को, ठीक है ना, पंचो, आज 3 साल हुए यानी 3 साल हो गए मैंने अपनी सब जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी, कि मेरे पास जितनी भी जायदाद थी वो मैंने अपने भांजे जुम्मन को जुम्मन के नाम कर दी। इससे आप लोग जानते हैं, जानते होंगे, जुम्मन ने मुझे ताहिने हयात का मतलब क्या है, पूरी जिंदगी रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। 7-6 महीने तो मैंने इनके साथ किसी तरह रो धोकर काटे, मगर अब मुझसे रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। कहती है कि इसने मुझे, मैंने इसको सारी अपनी जायदाद जो है इसके नाम लिख दी है, और उसने इसके बदले जो मुझे है पूरी जिंदगी रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। लेकिन क्या हुआ कि 6 साल और यानी 6 माह या साल तो गुजर गया, उसके बाद उसने इसका सलूक जो है वो मेरे साथ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बदल गया,
और लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया, यानी ना वक्त पे रोटी देते थे, ना अगर रोटी दे रही है तो सालन की मिकदार कम कर दी उसकी बीवी ने, ठीक है ना। मुझे पेट की रोटियां तक नहीं मिलती, पेट की रोटियां यानी मुझे जितनी भूख होती है उतनी उतना भी मुझे खाने को नहीं दिया जाता। बेकस बेवा हूँ, यानी मैं लाचार हूँ, मोहताज हूँ। बेवा यानी जिसका शौहर वफात पा गया हो, थाना कचहरी कर नहीं सकती, यानी मैं थाना कचहरी तो जा नहीं सकती सवाए तुम लोगों के, और किससे अपना दुख दर्द रोऊं। कहती है कि तुम लोगों के अलावा तो मेरा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं, ठीक है। तुम लोग जो रथ निकाल दो, यानी जो यानी जब वो पंचायत के सामने ये सारी बातें कर रही है कि जो तुम लोग जो भी फैसला कर दोगे इस रथ पर चलूं, यानी वही फैसला मुझे कबूल होगा। अगर मेरी बुराई देखो, यानी अगर मुझ में बुराई है या गलती मेरी है, मेरे ऊपर थप्पड़ मारो। ये खाला जान वो खाला जो है जुम्मन की, वो कह रही है कि अगर मुझ में गलती है तो बेशक मेरे मुंह पे थप्पड़ मारो, जुम्मन की बुराई देखो तो इसे समझाओ, और अगर तुम लोग देखते हो कि जुम्मन जो है वो गलती पर है तो फिर क्या करो, इसे समझाओ। क्यों एक बेकस की आह लेता है, क्यों किसी मोहताज की बददुआ लेता है। रामधन मिसर बोले, उन पंचों में से एक शख्स का नाम है रामधन मिसर, वो बोले जुम्मन मियां। अब वो जुम्मन से कह रहा है, जुम्मन कौन है, खाला का भांजा। जुम्मन मियां पंच किसे बत्ते हो, तुम किसको अपनी तरफ से पंच मुकर्रर करते हो, यानी मुंशी जज, अभी से तय कर लो। जुम्मन ने हाजरीन पर एक उड़ती हुई निगाह डाली, यानी उसने एक तायराना निगाह डाली, ठीक है। जितने भी लोग वहां पर थे, दलेराना अंदाज से कहा और फिर बहुत बहादुराना अंदाज में कहा। अब ये देखो कि उसमें कितना ज्यादा वो कॉन्फिडेंट है, इस बात से मुतमिन है, उसे किसी बात की भी फिक्र नहीं है। आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि जो जुम्मन था उसका पूर्व जवाब में पूरे गांव में उसका बहुत असर रसूख था। कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो जिस पर जुम्मन ने कोई यानी एहसान ना किया हो, यानी हर शख्स जो था वो उसका किसी ना किसी तरीके से एहसानमंद ही था। तो जुम्मन को अपनी जो थी ताकत पर भी बहुत ज्यादा भरोसा था कि कोई भी जो है वो मुझसे दुश्मनी तो ले ही नहीं सकता, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ में भी वो कह लो कह सकते हैं कि एक मुतकबराना अंदाज था उसका, तो वो हाजरीन पर ऐसे एक उड़ती हुई निगाह जैसे कोई ताराना जैसे, यानी कि ऐसे ही उसने नजर डाली, ठीक है ना। और बड़े बहादुरी से कहा, खाला जान जिसे चाहे पंच बनाए, यानी उसे कोई डर कोई परेशानी नहीं थी, मुझे उजर नहीं है, यानी मुझे उजर नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, यानी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे तू पंचों के नाम क्यों नहीं बता देता। खाला फिर उसे, खाला भी बड़ी अक्लमंद और जहीन खातून है, वो उसे कह रही है कि तू ए अल्लाह के बंदे तू क्यों नहीं जजों के नाम बता देता। जुम्मन ने बुढ़िया को वजमदार निगाहों से देखकर कहा, अब इस वक्त मेरी जुबान ना खुलवाओ, जिसे चाहो पंच बना लो। मैं कहता है उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि मुझे बोलने का मौका मत दो, जिसे चाहती हो पंच बना लो। खाला ने जुम्मन के एतराज को ताड़ लिया, यानी खाला को पता चल गया कि इसे किस चीज की यानी किस वजह से जो है ये परेशान हो रहा है। या जान लेनी, ताड़ लेना यानी जान लेना। बोली, बेटा खुदा से डर, मेरे लिए कोई अपना ईमान ना बेचेगा, इतने भले आदमियों में क्या सब तेरे दुश्मन हैं, और सबको जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानेगा ना। तो वो कहता है कि क्या ये सारे जो लोग बैठे हैं कोई मेरी वजह से अपना ईमान बेच देगा, और इन सबको अगर ये सब भी तुम्हारे दुश्मन ही हैं तो क्या तुम, यानी उसे तो वैसे ही इतना मतलब खुद पे एतमाद है कि कोई भी उसके खिलाफ जो है वो नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी खाला जो है वो आगे से उसे ये कहती है कि अगर सभी तेरे दुश्मन हैं तो बता दो कि अलगू की तो बात मानोगे ना, क्योंकि अलगू जो था वो उसका बहुत गहरा दोस्त था। जुम्मन फरते मुसर्रत से बाग बाग हो गए, फरते मुसर्रत मतलब खुशी से, मगर जब्त करके बोले, फिर भी उसने जब्त किया बोले, यानी उसने ये महसूस नहीं होने दिया कि उसे तो इस बात की बहुत खुशी होगी कि खाला ने ही उसके दोस्त का नाम ले दिया, उसका तो काम और भी आसान हो गया। अलगू चौधरी ही सही मेरे लिए, जैसे रामधन मिसर वैसे अलगू, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। वो कहता है कि मेरे लिए जैसे रामधन मिसर है वैसे ही अलगू चौधरी है। अलगू बगले झांकने लगे, अलगू जो था अब वो जुम्मन का गहरा दोस्त था, वो तो बेचारा फंस गया एक तरीके से, वो तो वो शर्मिंदा होने लगा। अलगू बगले झांकने लगे, यानी इधर उधर
देखना या शर्मिंदा होना, इस झमेले में नहीं फंसना चाहते थे। झमेले में झगड़े में, मद्राजाना अंदाज से कहा, यानी उसको एक एतराज भरे लहजे में उसने कहा, बूढ़ी माँ तुम जानती हो कि मेरी और जुम्मन की गाढ़ी दोस्ती है, कि बूढ़ी माँ तुम्हें मालूम है कि मेरी और जुम्मन की आपस में बहुत गहरी दोस्ती है। खाला ने जवाब दिया, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है कि अगर तुम्हारी उसके साथ दोस्ती है तो क्या इस दोस्ती की वजह से तुम अपना ईमान बेच दोगे। पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो अल्लाह की तरफ से निकलती है। कि जब किसी इंसान को कुर्सी अदल नसीब हो जाती है तो उसको ये क्या कह लें कि फर्ज है कि वो जो है इंसाफ और अदल का जो है रवैया इख्तियार करते हुए इंसाफ को कायम करे, ठीक है ना। और अगर ऐसा वो नहीं करता तो फिर यकीनन वो अपने लिए एक बुरे अंजाम जो है उसी को तामीर कर रहा है, ठीक है। तो खाला जान जो है वो उसे समझा रही है अलगू को। अलगू चौधरी ने कहा, शेख जुम्मन हम अच्छा वो राजी हो गया। वो शेख जुम्मन से मुखातिब होकर कहता है, देखिए शेख जुम्मन के आगे नदाइयत की अलामत लगी है ना, इसका मतलब क्या है कि पुकारना। तो उसने शेख जुम्मन से मुखातिब हुआ और कहा, हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब जरूरत पड़ी है तुमने मेरी मदद की है। वो अपने दोस्त से कहता है कि जब जरूरत पड़ी तुमने मेरी मदद की और हमसे भी जो बन पड़ा है तुम्हारी खिदमत करते आए हैं, और जो मुझसे हो सका मैंने भी तुम्हारी हर तरह से खिदमत की, ठीक है। यानी जब कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पेश आई तो मैंने वो जरूरत पूरी की, मगर इस वक्त ना तुम हमारे दोस्त हो और ना हम तुम्हारे दोस्त। अब ये अलगू कह रहा है जुम्मन से, वो खाला की बात से एग्री हो गया, किसी भी तरीके से उसको खाला की बात ने राजी कर ही दिया। तो फिर उसने अपने दोस्त जुम्मन से कहा कि ये जो वक्त है इस वक्त ना तुम हमारे दोस्त हो ना हम तुम्हारे दोस्त, ये इंसाफ और ईमान का मामला है, ठीक है। खाला जान ने पंचों से अपना हाल कह सुनाया, तुमको भी जो कुछ कहना हो कहो। यानी खाला जान ने पंचायत के सामने जो है वो अपनी बात कह दी, अब तुमने जो कुछ कहना है तुम भी अपनी बात कह दो। जुम्मन एक शाने फजीलत से उठ खड़े हुए, शाने फजीलत यानी बड़ी बर्तरी से, ठीक है ना, उठ खड़े हुए और बोले, पंचो मैं खाला जान को अपनी माँ की बजाय समझता हूँ। माँ की बजाय समझने का मतलब यानी माँ की तरह समझता हूँ, जो कि बात थी, जबकि पीछे ऐसी कोई बात हमने पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि उसका अपना रवैया खाला के साथ बहुत बुरा हो चुका है। खाला जान को अपनी माँ की बजाय समझता हूँ और इनकी खिदमत में कोई कसर नहीं रखता, यानी मैं इनकी हर तरह से खिदमत करता हूँ। ये भी वो झूठ ही बोल रहा है। हाँ औरतों में जरा अनबन रहती है, यानी औरतों में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इसमें मैं मजबूर हूं। वो कह रहा है कि मैं तो खाला जान की हर तरह से खिदमत कर रहा हूँ, जबकि ये भी वो गलत बात कर रहा है। औरतों की तो ये आदत ही है, मगर माहवार रुपया देना मेरे काबू से बाहर है। फिर अब वो अपनी नुक्ते पे आ गया, वो कह रहा है कि औरतें तो आपस में लड़ती ही रहती हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं हर माह जो है वो पाला को खर्चा दूं। खेतों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं, यानी खेतों में जो फसल उगती है या उससे जो सरमाया हासिल किया जाता है वो आप सबको पता है। यानी वैसे पर्दा वो ये कह रहा है कि खेतों की यानी फसल जो है उससे अच्छी आमदन नहीं मिलती। आगे पंचों का हुक्म सर और माथे पर है। फिर आगे कहता है कि जो जो भी पंच जो है, जो भी जज, जो उस पंचायत के लोग मुकर्रर हुए थे, वो जो भी फैसला करेंगे उसको कबूल है। अलगू को आए दिन अदालत से वास्ता रहता था। अब अलगू के बारे में वो बता रहा है कि अलगू जो है वो एक ऐसा आदमी था जो अदालत आता जाता रहता था, यानी मुख्तलिफ मामलात की सूरत में, यानी मुख्तलिफ मामलात की वजह से, जमीन जमीन वगैरह के मामले के लिए, ठीक है। कानूनी आदमी थे, यानी कानूनी आदमी का मतलब क्या है, यानी वो कानून को जानते थे। जुम्मन से जिरह करने लगे, जिरह क्या यानी बहस, ठीक है ना। जब वकला जो है दोनों फ्रीकैन के वकला जो है दलाई देते हैं अपने अपने जो भी उनका कहने के होता है पर्सन, दोनों वकला देते हैं ना अदालत में दलाई, तो वही जिरह होती है। जुम्मन से जिरह करने लगे यानी बहस होने लगी। एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की जरब की तरह लगता था। अब अलगू जो था वो एक एक सवाल चुन चुन कर रहा था और जुम्मन को वो बहुत बुरा लग रहा था। जुम्मन हैरत में थे कि अलगू को क्या हो गया है। अब जुम्मन जो है वो बहुत हैरान हो गया कि इसको क्या हो गया, ये तो मेरा गहरा दोस्त था,
अभी तो ये मेरे साथ बैठा कैसे मजे मजे की बातें कर रहा था। इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई। काया पलट होना का मतलब क्या है? बदल जाना, हालत का बदल जाना। कि इतनी ही देर में क्या हुआ कि ये इतना बदल गया कि अब मुझसे जो है ये बिल्कुल बहस कर रहा है, ठीक है, दलील के साथ बात कर रहा है कि मेरी जड़ खोदने पर अमादा है। जड़ खोदने पर अमादा मतलब मुझे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अच्छी दोस्ती निभाई यानी अच्छा जो है वो मेरे साथ अपना ताल्लुक जो है वो कायम कर रहा है, यानी कि मुझे तो ये बर्बाद कर देगा जिस तरह के ये मेरे साथ सवाल कर रहा है। जिरा खत्म होने के बाद अलगू ने फैसला सुनाया, लहजा निहायत संगीन। अब अलगू जो था, जब उसको जो है कुर्सी अदल जो है अदल पर वो बैठा, कुर्सी अदल पर बैठा यानी इंसाफ की कुर्सी पर बैठा, तो उसने जो है फिर बिल्कुल उसने इंसाफ का मामला ही इख्तियार किया। और जब बहस खत्म हो गई तो फिर उसने अपना फैसला सुनाया। फैसला उसने कैसे, उसका लहजा जो था वो निहायत संगीन यानी सख्त किस्म का उसने लहजा अपनाया। तहकमाना यानी हुक्मी अंदाज में वो बोला, यानी उसमें कोई भी जरा भी वो नहीं थी कि अगर वो सामने दोस्त है तो उसके लिए वो थोड़ा सा भी कहने के फेवर उसको दे, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि उसने बिल्कुल एक मुंसिफ की हैसियत से उसने सही फैसला किया। शेख जुम्मन, अब वो उससे मुखातिब है अपने दोस्त से। पंचों ने इस मामले पर अच्छी तरह गौर किया। ज्यादती सरासर तुम्हारी है, खेतों से माकूल नफा होता है, तुम्हें चाहिए कि खाला जान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त कर दो, इसके सिवाय और कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो हिबानामा मंसूख हो जाएगा। तो कहता है कि जितने भी यानी यहाँ पे हैं जज मुकर्रर हुए उन सब ने गौर किया है, सरासर ज्यादती तुम्हारी ही है। या तो खाला के माहवार वजीफा लगा दो यानी हर माह उन्हें कुछ खर्च दिया करो, या फिर तुम्हारा हिबानामा मंसूख हो जाएगा यानी जो मलकियत अल्लाह ने तुम्हारे नाम की है उसको खत्म कर दिया जाएगा। जुम्मन ने फैसला सुना और सन्नाटे में आ गया। अहबाब से कहने लगा, भाई इस जमाने में यही दोस्ती है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे इसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। ये जुम्मन ने कहा, ठीक है ना, किस वजह से कह रहे हैं, क्योंकि आगे उसका दोस्त था और उसे इस बात की बहुत तकलीफ हुई कि उसने जो है फैसला खाला के हाथ में किया। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें मिला दी यानी उन दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। तनाव दरख्त यानी एक मजबूत दरख्त जो था हक का एक झोंका भी ना सह सका, यानी वो गहरी दोस्ती, इतनी पुरानी दोस्ती जो थी, तो जब हक की बात कही गई तो उनकी उन दोनों की दोस्ती ही खत्म हो गई। यानी हक की बात बर्दाश्त नहीं कर सका कौन? जुम्मन। अब वो अभी मिलते थे मगर वो तीरों सिपर की तरह, तीरों सिपर यानी तीर और ढाल की तरह, ठीक है ना। ढाल क्या होता है यानी खुद को बचाने के लिए एक टूल। जुम्मन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख्याल दूर ना होता था और इंतकाम की ख्वाहिश चैन ना लेने देती थी। अब जुम्मन जो था वो सोचने लगा कि कोई यानी वो उसको गद्दार समझने लगा। हालांकि अगर वो दिल से सोचता तो उसने बिल्कुल जो था वो हक पर मबनी फैसला किया था, ठीक है ना, लेकिन उसे ऐसा लगने लगा कि ये जो है अलगू इसने मेरे साथ गद्दारी की है। तो इसी में वो हर वक्त जलता रहता और बदले भी आग में जलता रहता, किसी ना किसी सूरत जो है मैंने इससे बदला लेना है। खुशकिस्मती से मौका भी जल्द मिल गया। अलगू चौधरी पिछले साल मेले से, अब यहाँ तक तो एक स्टोरी कंप्लीट हो गई, खाला जान की मलकियत वाला जो है वो फैसला कंप्लीट हो गया। अब आगे जो है आगे अलगू की कहानी स्टार्ट होने लगी है, ठीक है ना। अलगू चौधरी पिछले साल मेले से बैलों की एक अच्छी गोयाई माल लाए थे। गोयाई माल यानी बैलों की जोड़ी, ठीक है ना, पछाई नस्ल, पछाई कहते हैं मगरबी नस्ल के, मगरबी नस्ल के खूबसूरत बैल थे। महीनों तक वो जवार से लोग इन्हें देखने आते रहे, यानी बहुत अच्छी नस्ल के बैल थे और लोग दूर दूर से इनको देखने के लिए आते थे। इस पंचायत के एक महीना बाद एक बैल मर गया। जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा यह दगाबाजी की सजा है। अब जुम्मन बड़ा खुश हुआ इस बात से, कल हुआ अलगू ने इतने महंगे बैल लिए हैं और क्या हुआ कि एक बैल मर गया, तो ये क्या है, ये उस धोखे की सजा है जो उसने जुम्मन को दिया, यानी अलगू ने जो है वो जुम्मन को धोखा दिया, इस वजह से उसका बैल मर गया। दगाबाजी का मतलब होता है धोखा देना। इंसान सबर कर जाए मगर खुदा नेको बद देखता है। अब यहाँ पे जुम्मन जो है वो खुद को बहुत मासूम समझ रहा है और ये कह रहा है कि मैंने सबर किया और उसके सबर का फल जो है वो उसे मिला है। तो अल्लाह तआला ने जो है उसे, अल्लाह तआला तो नेक और बद को यानी नेकी और बदी को देखता है। अलगू को अंदेशा हुआ कि जुम्मन ने इसे जहर, अब अलगू जो था अलगू को इस बात का अंदेशा, वैसे तो इसका मतलब होता है खतरा डर, ठीक है। अब उसे लगने लगा कि जुम्मन ने क्या किया, अपना बदला लेने के लिए उसके बैल को जहर दिलवा दिया। इसके बाद अक्स चौधराइन का ख्याल था कि इस पर कुछ कराया गया है, लेकिन जो अलगू की बेगम थी चौधराइन,
उसका ख्याल था कि इस पर कोई कुछ कराया गया का मतलब क्या है, यानी तावीज करवाए गए हैं। चौधराइन और फहमीन ने एक दिन जोर शोर से ठहरी। चौधराइन अलगू की बीवी और फहमीन किसकी, जुम्मन की। दोनों एक दिन दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। दोनों खवातीन ने रवानी बयानी की नदी बहा दी, यानी बयान की रवानी, यानी आपस में गालम गलोच, एक दूसरे को बुरा भला कहा, बहुत रवानी के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई की। तशबीहात और इस्तारों में बातें की। तशबीहात का मतलब होता है किसी की मानिंद करार देना, और इस्तारा का मतलब है किसी के जैसा कह देना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कह दिया, उसने कह दिया होगा कि तुम, यानी किसी जानवर से तशबीह दे दी होगी, और यानी कि तुम बंदरिया जैसी हो, या ये होगी तशबीह। और अगर वो कहेगी कि तुम बंदरिया हो तो फिर ये क्या होगा, इस्तारा। ठीक है, तशबीहात और इस्तारों में बातें हुई। बारे जुम्मन ने आग बुझा दी। अब जुम्मन ने क्या किया, इस लड़ाई को खत्म किया, बीवी को डांटा और रजमगाह से हटा ले गया। रजमगाह का मतलब क्या होता है, मैदान जंग, यानी मैदान जंग उसने कहा है उनकी लड़ाई की जगह पर। इधर अलगू चौधरी ने अपने डंडे से चौधराइन की शीरी बयानी की दाद दी। और अलगू चौधरी ने जो क्या किया, उसने अपनी बीवी जो चौधराइन थी उसको डंडे से मारा। शीरी बयानी की दाद देना, यहाँ पे तंजिया जो है ये इस्तेमाल किया गया है, ये वर्डिंग शीरी बयानी, तो इसका वैसे मायने बनता है मीठे बोल, लेकिन मतलब इसका यहाँ ये तंजन इस्तेमाल किया गया है, तो मायने इसका यही, मफहूम इसका यही बनेगा कि उसने जो है इस गालम लोच की वजह से डंडे के साथ अपनी बीवी की पिटाई की। आपको कहता है कि एक बैल किस काम का, इसका जोड़ा बहुत ढूंढा मगर ना मिला, ना चारा इसे बेच डालने की सलाह हुई। अब अलगू के लिए एक बैल जो था वो किसी काम का ना था, तो उसने जो है वो मशवरा किया और यही करार पाया कि इसको जो है वो बेच दिया जाए, एक बैल को जो बच गया। गांव में एक समझू सेठ थे, वो यक्का गाड़ी हांकते थे। एक शख्स था जिसका नाम था समझू सेठ, और वो यक्का गाड़ी यानी जिसमें बैल लगाकर और पीछे गाड़ी लगा दी जाए उसको क्या बोलेंगे, बैल गाड़ी आप कह सकते हैं, हांकते थे। गाँव में गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गाँव में जो जिस चीज की पैदावार थी वो क्या थी, गुड़ घी, यानी गुड़ और घी। घी गाँव में घी होगा तो कौन सा होगा, देसी घी होगा ना, तो गांव में गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते, यानी ये गांव की पैदावार थी। मंडी से तेल नमक लाद कर लाते और गांव में बेचते थे, और मंडी से उसके बदले में क्या चीज लाते, नमक और तेल। इस बैल पर इसकी तबीयत लहराई, समझू सेठ के दिल में जो है उस बैल को खरीदने का लालच पैदा हुआ, सोचा इसे ले लूं। दान के लिए एक महीने का वादा हुआ। उसने क्या किया, अलगू चौधरी से वो बैल लिया और उससे वादा किया कि एक महीने बाद वो इसकी जो है वो रकम देगा, यानी इस बैल की कीमत। चौधरी भी गरजमंद थे, वो जरूरतमंद था चौधरी भी बेचारा, घाटे की कुछ परवाह ना की। उसने ये सोचे बगैर कि एक महीने बाद उसको इसकी जो है वो कीमत मिलनी है, उसने फिर भी अपना बैल जो था वो समझू सेठ को फरोख्त कर दिया। समझू ने नया बैल पाया तो पांव फैलाए, दिन में तीन 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 चार चार खीवे करता। खीवे का मायने यहाँ पे है चक्कर लगाना, यानी वो दिन में तीन से चार चक्कर लगाता मंडी के गांव से और गांव से मंडी के। ना चारे की फिक्र थी ना पानी की। अब वो क्या कहता था, उस बैल को ना तो चारा देता था और ना ही वक्त पर पानी पिलाता, बस खीवों से काम लेता, चक्कर ही लगाता रहता। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूस डाल दिया, और वही जानवर अभी दम भी ना लेने पाता था कि फिर जोत दिया, यानी जो मंडी ले जाता उसे खुश्क सा भूसा दे दिया जाता खाने को, और अभी वो थोड़ा सा सस्ताता भी नहीं था, यानी सांस भी नहीं लेता था, तो दोबारा से उसे जो है वो बैलगाड़ी में जोत दिया जाता, लगा दिया जाता। ठीक है, महीने भर में बेचारे का कुछ उम्र निकल गया, यानी उसका बुरा हाल हो गया, एक ही महीने में वो जो बैल था इतनी अच्छी नस्ल का उसका बहुत बुरा हाल हो गया। यके का जुआ यानी कह लेंगे लकड़ी का लकड़ी, एक ऐसी लकड़ी है जो बैलगाड़ी में जो है जोतते वक्त जो है बैल के कंधे पर रखी जाती है। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप लोगों में से कुछ लोग कभी गांव में गए होंगे तो उन्होंने बैलगाड़ी देखी होगी, एक लकड़ी होती है जो जो कि बैल के कंधे पर रख दी जाती है। ठीक है ना, जिससे जो है वो कह सकते हैं कि वो बैलगाड़ी और फिर उसमें वो फिक्स हो जाता है बैल, तो वो गाड़ी एक क्या बन जाती है, बैलगाड़ी।
यज्ञ का धुआं देखते ही बेचारे का हाव छूट जाता, यानी हौसला जो था उसका खत्म हो जाता। एक एक कदम चलना दुर्भर था, मुश्किल था। हड्डियां निकल आई थी, लेकिन असील जानवर, असील यानी अच्छी नस्ल का जानवर, सही और नस्ल जानवर जो था, मार की ताब ना थी, यानी उसमें और बर्दाश्त नहीं थी। अब चाहे जितनी भी अच्छी नस्ल का कोई जानवर होगा, अगर उसको वक्त पर चारा या उसको पानी नहीं मिलेगा तो कितनी देर तक जो है, और उसे काम भी जो है वो ज्यादा लिया जाएगा, मामूल से ज्यादा उसे काम लिया जाएगा, तो क्या ख्याल है कि वो कितना अच्छा बर्दाश्त कर सकेगा। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब उसकी बर्दाश्त की हद जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही इसके साथ भी हुआ, इस बैल के साथ। बेशक वो जो था बहुत अच्छी नस्ल का था, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि वो और ज्यादा बर्दाश्त ना कर सका। एक दिन चौथे खीवे में सेठ जी ने दोना बोझ रखा, यानी चौथा चक्कर था, और जो सेठ जी था उसने क्या किया कि उस बैल पर पहले से भी दुगुना जो था वो बोझ लाद दिया, वजन ला दिया। दिन भर का थका जानवर पैर मुश्किल से उठते थे। अब वो बेचारा पहले ही तीन चक्कर लगा चुका था, और चौथे चक्कर पर जो था उसके ऊपर जो बोझ था वो भी दोगुना डाल दिया गया, तो उसे तो एक पैर चलना भी मुश्किल हो गया। इस पर सेठ जी कोड़े सीद करने लगे। अब वो कितना जालिम शख्स था, और हमारा तो मजहब भी जो है वो हमें इस बात की इजाजत नहीं देता, बल्कि मजहब, हमारे मजहब में तो जानवरों के साथ, पेड़ों के साथ भी निहायत हमदर्दाना सलूक का ही रवैया अख्तियार करने के लिए हमारे नबी वसल्लम की तालीमात हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे कितना कह लेंगे सख्त दिल इंसान था कि उसको जरा भी ख्याल नहीं आया, और उसने उसको जो था कोड़े मारने स्टार्ट कर दिए। बैल चक्कर तो बैल जीवर तोड़ कर चला, यानी उसने बहुत ज्यादा जोर लगाया, अपनी हिम्मत से ज्यादा जोर लगा दिया। कुछ दूर दौड़ा, चाहा कि जरा दम ले ले। इधर सेठ जी को जल्द घर पहुंचने की फिक्र, कई कोड़े बेदर्दी से लगाए। अब उसने तो हिम्मत ही नहीं थी चलने की, तो बहुत ज्यादा जोर लगा के उसने चलने की कोशिश की। तो सेठ जी को तो पता नहीं, घर पहुंचने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, तो उसने क्या किया उसे और भी बेदर्दी से मारा। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, मगर ताकत ने जवाब नहीं दिया। उसमें थोड़ी बहुत जो हिम्मत बची थी उसने उसको भी इस्तेमाल करते हुए जोर लगाया कि मैं दो कदम चल लूं, लेकिन क्या हुआ कि जमीन पर गिर पड़ा, और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। वो बेचारा जमीन पर गिरा और वहीं पे मर गया। कई बोरे गुड़ और कई नस्तर खींचे बेचे थे, 200-400 रुपए कमर में बंधे हुए थे। अब उसने क्या किया, जो सेठ जी था उसने कुछ गुड़ और कुछ घी के जो थे कनस्तर को बेचे हुए थे, और जिनकी जो कीमत लेनी थी उसकी 200-400 रुपए थे, यानी 200-400 रुपए उसके पास थे जो उसने अपनी कमर में बांधे हुए थे। गाड़ी पे कई बोरे नमक के थे, छोड़कर जा भी ना सकते थे। अब उसकी गाड़ी पर नमक भी था जो वो मंडी से लेकर आते, गांव से वो क्या लेके जाता था, घी और गुड़, और मंडी से क्या लाता था, तेल और नमक। गाड़ी पर लेट गया, वही रत जगा करने की ठान ली। रत जगा करना मतलब रात को जागना। उसने सोचा कि मैं यहीं पे गाड़ी पर ही लेट जाऊंगा और रात को जाग लूंगा, और आधी रात तक दिन को बहलाते रहे, हुक्का पिया गाया, फिर हुक्का पिया आग जलाई गाया। यानी ये चीज वो रात भर जो था ये इन बातों का इस्तेमाल करते रहे, हुक्का पीते रहे, गाना गाते रहे, फिर हुक्का कभी पी लिया, फिर आग जला लेते थे, और फिर यानी के आग जलाकर अपने हाथों को गर्म करते थे। अपनी दानिश में तो वो जागते ही रहे, यानी दानिश तो अक्ल को कहते हैं, यानी अपनी तरफ से तो वो क्या था कि वो जाग रहे हैं, मगर जब वो फूटी, यानी जब सुख की रोशनी हुई थोड़ी सी, तो क्या हुआ, चौंके, हैरान हो गए, और कमर पर हाथ रखा तो थैली निदार है। जब उन सुबह हुई, सुबह की थोड़ी सी रोशनी हुई, तो उन्होंने देखा, अपनी कमर पर हाथ रखा तो क्या देखते हैं कि उनकी जो कमर में पैसे बंधे हुए वो थैली ही नहीं थी। निदारत का मतलब होता है ना होना। कलेजा सुन से हो गया, कमर टटोली, थैली का पता ना था। घोड़ा कर इधर उधर देखा, कई कनस्तर तेल के भी गायब थे। अब जो सोने में सुहागा ने उसकी गाड़ी पे कई कनस्तर तेल के थे वो भी कोई उठा के ले गया। सर पीट लिया, पछाड़े खाने लगे। सर पीट लिया यानी खुद को मारना हाथों से, ठीक है ना, मातमी सा अंदाज कह सकते हैं। पछाड़े खाने लगे इसका मतलब भी यही है, यानी बहुत ज्यादा दर्द और बहुत ज्यादा तकलीफ की हालत में जो है वो अपने आप को जमीन पर दे मारना। सुबह को 2000 खराबी घर पहुंचे, यानी सुबह को 2000 खराबी बहुत सारी खराबियों के साथ, यानी बुरे हालात के साथ वो जो थे घर पहुंचे। समझू से सेठानी जी ने जब ये अलमनाक हादसा सुना, अलमनाक हादसा मीन क्या है, यानी ये दर्दनाक हादसा सुना, तो छाती पीट ली। पहले तो खूब रोनीता बलकुचोरी को गालियां देने लगी
हिफ्ज़-ए-मुकद्दम की सूची यानी हिफाजत के तौर पर उसने क्या किया, निगोड़े ने यानी कि उसने खुद पहले से ही कहना शुरू कर दिया। नगोड़े यानी मनहूस ने, नकम्मे ने ऐसा मनहूस बयान दिया कि सारे जन्म की कमाई लुट गई। अब वो अलगू को जो था वो कोसने लगी कि क्या हुआ कि उसने हमें बैल ही बहुत यानी कमजोर लागर सा बैल दिया। इस वाक्य को कई माह गुजर गए। अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों झिकाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठ गए। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मिट्टी में मिल गई, फकीर हो गए, इन्हें दान की पड़ी है। मुर्दा मनहूस बैल दिया, इस पर दान मांगते हैं। आंख में झोल झोंक दी, मरा हुआ बैल गले बांध दिया, सबर ना होता तो हमारा बैल खोल ले जाओ। अब वो आगे से अलगू से ये बातें कह रही हैं। कौन? समझू और उसकी बीवी। महीने के बदले 2 महीने जोत लो और क्या लोगे? अब उसे कहते हैं कि तुम हमारा बैल ले जाओ और 1 महीने की बजाय 2 महीने जो है इससे काम ले लो। इस फ्याजाना फैसले की कदरदान हजरात की भी कमी ना थी और बहुत सारे लोग जो थे वो इस फैसले से बड़े खुश हुए कि इन्होंने तो बहुत ज्यादा फ्याजी का मामला इसके साथ किया है। इस तरह झड़प सुन को चौधरी लौट आते हैं, मगर 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम ना था। चौधरी अलगू चौधरी जो बेचारा था वो इस तरह की बातें सुनकर वापस आ जाता, लेकिन उस जो बैल की कीमत थी वो 150 रुपए मुकर्रर हुई थी, लेकिन 150 रुपए से हाथ धोना यानी ना लेना या ना लेने के बारे में सोचना ये भी वो उसके लिए नुकसानदेह था। एक बार वो भी बिगड़े यानी एक दफा वो भी गुस्से में आ गए। सेठ जी गर्म हो पड़े, सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी, सवाल जवाब होने लगे, खूब मुबहसा हुआ, मजादले की नौबत आ पहुंची यानी झगड़े की नौबत आ पहुंची। सेठ जी ने घर में घुसकर कवाड़ बंद कर लिए। कवाड़ का मीन क्या है? दरवाजा। गांव के कई मौजूद आदमी जमा हो गए कि उन दोनों के दरमियान में लड़ाई की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों फरीक को समझाया, दोनों फरीक यानी दोनों ग्रोहों को, अलगू को भी और समझू को भी। सेठ समझू को दिलासा देकर घर से निकाला और सलाह दी कि आपस में सरपटोल से काम ना चलेगा। अब जो समझू था उसको ये मशवरा दिया गया कि अगर आपस में तुम एक दूसरे के सर फोड़ोगे, सरपटोल करना यानी ऐसी लड़ाई जिसमें एक दूसरे का सर ही फाड़ देना, तो इससे काम नहीं चलेगा, इससे क्या फायदा, पंचायत कर लो। अब यहाँ पे भी यही बात कही गई कि अगर तुम लोग आपस में ही लड़ोगे तो उससे कोई फायदा नहीं, क्या करोगे, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए इसे मान जो। सेठ जी राजी हो गए, अलगू ने भी हामी भर ली। अब दोनों राजी हो गए, फैसला हो गया, पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों फरीक ने गोलबंदियां शुरू कर दी यानी दोनों फरीक ने अपने अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तीसरे दिन इसी सायदार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी, वही दरख्त जिस दरख्त के नीचे खाला जान की पंचायत बैठी थी उसी के नीचे पंचायत बैठी। रामधन मिश्र बोले, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी किन किन आदमियों को पंच बनते हो। अलगू चौधरी से रामधन मिश्र कहता है कि किस किस आदमी को तुम पंच मुकर्रर करते हो। अलगू ने मुनकसराना अंदाज में जवाब दिया। मुनकसराना का मतलब क्या है? आजजाना। समझू सेठ ही चुन ले। समझू सेठ खड़े हो गए और कड़ कर बोले, मेरे तरफ से शेख जुमन का नाम रख लो। अब समझू जो था उसको पता था कि अलगू की जो है वो इस वक्त दुश्मनी चल रही है किसके साथ, जुमन से, तो उसने अपनी तरफ से जुमन का नाम दे दिया। अलगू ने पहला नाम जुमन का सुना तो कलेजा धक से हो गया यानी परेशान हो गया, गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया। रामधन मिश्र अलगू के दोस्त थे। अब रामधन मिश्र जो थे वो अलगू के दोस्त थे। तय पर पहुंच गए, बोले चौधरी तुमको कोई उजर तो नहीं? उसे पता चल गया, जो रामधन मिश्र था उसे पता चल गया कि अलगू को किस बात की परेशानी है, तो उसने चौधरी को ये कहा कि तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं? चौधरी ने मायूसाना अंदाज से जवाब दिया, नहीं मुझे कोई उजर नहीं। इसके बाद 4 नाम तजवीज किए गए। अलगू पहला चरका खाकर होशियार हो गए। अलगू जो था वो पहला ही बेचारा जख्म खाकर होशियार हो गया। ठीक है गर्ल्स, यहाँ भी ना अब आप लोगों को मैं मुख्तसरन बता देती हूँ, रीडिंग आप लोगों ने खुद ही करनी है। गर्ल्स एंड बॉयज क्या करना है कि रीडिंग ये जो पेज रहता है ना आप लोगों ने खुद करनी है, मैं इसको थोड़ा सा मुख्तसरन आप लोगों को बता देती हूँ। अब जो था, अब कुर्सी इंसाफ पर जो था जुमन था। अब जुमन ने क्या किया, अब जुमन को पंच मुकर्रर किया गया, जुमन ने फैसला दिया, जुमन ने सारी जो थी वो बात सुनी, समझू की भी सुनी और अलगू की भी सुनी, और फैसला ये दिया कि वो जो समझू सेठ था, समझू सेठ जो है वो ज्यादती पर है, क्योंकि जब अलगू चौधरी से उसने बैल लिया था तो उस वक्त बैल बिल्कुल ठीक था, वो बिल्कुल भी बीमार ना था, और अगर वो उससे उसी वक्त पैसे ले लेता, 150 रुपए ले लेता, तो उसी वक्त उसकी जो थी कीमत अदा हो जानी थी, लेकिन उसने तो उसके साथ एक कहने की हमदर्दी का मामला इख्तियार किया, लेकिन
समझू सेठ जो है वो आगे से उसके साथ ज्यादती कर रहा है। अगर बैल मर गया है तो उसमें जो है कुछ सूर जो है वो अलगू चौधरी का नहीं है बल्कि किसका है, समझू का है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है वो गवाही दी कि जो समझू सेठ है उसने बैल के साथ बहुत बुरा सलूक किया। ठीक है, जब ये फैसला जो था, जुम्मन ने जब ये फैसला दिया तो अलगू को बहुत खुशी हुई कि इसने जो है वो इंसाफ का मामला इख्तियार किया। तो फिर इस तरह से जुम्मन को भी इस बात का एहसास हुआ कि जब जो है कोई भी इंसान इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर अदल का मामला इख्तियार करता है या अदल करता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो हर चीज से बालातर होकर, दोस्ती और दुश्मनी से बालातर होकर इंसाफ का फैसला करे। ठीक है, इस तरह से दोनों की जो थी आपस में दुश्मनी वो भी खत्म होगी और वो दोबारा से एक दूसरे के साथ उनकी अच्छी दोस्ती होगी। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों क्या करना है, आप लोगों ने आप लोग एक दफा अपना वर्क देख लें। आप लोगों की यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज में आते हैं वो सारे ही करने हैं। हाँ जी, ये टोटल 7 क्वेश्चन है खुलासे तक, 8 आपके एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन है ये यहाँ तक, ये आप लोगों ने करने हैं लाजमी। और आगे से ये 9 वाला भी है, जैसे मुख्तलिफ मुहावरों को दो जुमलों में इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल किया गया ठीक और गलत के बयान किया गया, गलत का निशान लगाएं, ये भी करना है। अफसाना मैंने पढ़ा दिया, खत आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था, ये भी आप लोग पढ़ के आओगे। एक दफा घर का काम देख लें, सबक नंबर 6 मुकम्मल, इसमें खुलासा भी है, वर्ड्स मीनिंग भी है आप लोगों के, खत नंबर 6 और 7 और अल्फाज नंबर 1 और 2 और मुतरादिक अल्फाज आप लोगों ने करने हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे खत आप लोगों ने 8 क्लास में भी स्टूडेंट्स किए हैं, ये मुतरादिक देखेंगे। सफा नंबर मेरे पास से 21, ये बस इतने से मुतरादिक है आप लोगों के, ये 10 होंगे ज्यादा से ज्यादा ये वाले मुताबिक। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने खत जो करना है, ये आप लोगों की कहानी है जी, हेडमास्टर साकिब से छुट्टी की दरख्वास्त और बीमारी की दरख्वास्त, ये आप लोगों की दरख्वास्तें हैं और आप लोगों का पैटर्न सेम वही है जो आप लोगों ने 8 क्लास में इस्तेमाल किया। ठीक है, इसके बाद खत नंबर है 6 और 7, खत है छोटे भाई के नाम, अच्छी सोहबत इख्तियार करने के लिए नसीहत और दोस्त के नाम खत है, नाराज दोस्त को मनाना, ये आप लोगों का खत है और ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके गर्ल्स एंड बॉयज, अल्लाह हाफिज।